बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं ने मनाया बाबा साहेब का 131वीं जयंती। बाबा साहेब की प्रतिमा पर मल्यार्पण कर किया नमन। बोध गया में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में बीटीएमसी के सचिव एन दोर्जे के साथ साथ कार्यक्रम में मौजूद सभी बौद्ध भिक्षुओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर मल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इससे पहले बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर मल्यार्पण कर सूत पाठ कर पूजा अर्चना किया। मौके पर मौजूद बोधगया मंदिर के मुख्य पुजारी चालिंदा बंते ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का 131वीं जयंती बीटीएमसी कार्यालय द्वारा मनाई गई। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से कोविड को लेकर बाबा साहेब की जयंती नहीं मनाई गई थी। इस बार भी कम लोगों की मौजूदगी में हम लोगों द्वारा 131वीं जयंती मनाई जा रही है। मौके पर बंते दीनानाथ, बंते डॉक्टर मनोज, बंते चालिंदा के अलावा कई लोग मौजूद थे। पैसा किसी के चक्कर में कृपया एक बार साथ नहीं जाए। हम लोग दुपट्टी आया ना, मेरा ब्रदर को बोला बारी बारी से जाए, लोगों को आने दें, उसके बाद दो तीन करके जाएंगे। ऐसा एक मैसेज ऐसा है कि जो हर साल मना रहा है, विशेष यहाँ से आपके एक ऑल ओवर इंडिया एवं अदर पार्ट्स ऑफ जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो फॉलोअर्स है ना, उसके जो प्रिंसिपल है ना, जो फॉलो कर रहे हैं, और हमेशा हर साल का मैं मना रहा है। अभी इसमें आज ये आपका ऐसा जो अभी ट्रेंडिंग भी चल रहा है, साथ ही इस तरह लगता है कि वो जनरल ऑडियंस पब्लिक गैदरिंग इसका पिलग्रिम नहीं है, इसके लिए हम लोग गैदरिंग में कोई ऑडियंस नहीं था। सबसे इम्पोर्टेंट जी, आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जन्म जयंती जयपुर सोशल में मनाए पी टी एम सी की तरफ से। तो आज 121वां उनका जन्म जयंती है, हर साल हम लोग ये मनाते आ रहा है, लेकिन दो साल से हम लोग को ये कोविड 19 के चलते नहीं मना पाया, ऐसे ही छोटा मोटा करके मनाता है। आज भी वैसा ही थोड़ा छोटा करके ही मना रहा है, क्योंकि इतना भीड़ भाड़ तो नहीं है, ऊपर से उधर किसी तरह का चैंटिंग भी चल रहा है, उधर से भी थोड़ा कुछ हमें सब योगदान दिया है। तो लोकल कोई एक दो आदमी आया हुआ है, तो अभी हम लोग यहाँ चैंटिंग किया और बाबा साहब अम्बेडकर को मल्यार्पण करके इसको समाप्त किया। थोड़ा रिफ्रेशमेंट है, बाद में इतना ही किया हमने।